टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। सागर जिले के देवरी में रफ्तार का कहर और लापरवाही के चलते एक 8 साल के स्कूल में पढ़ने वाले मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खबर सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से जुड़ी है। यहां पर स्कूल से लौट रहे 8 वर्षीय मासूम शिवांश पिता कैलाश को नेशनल हाईवे 44 पर स्कूल वाहन संचालक द्वारा मासूम को रॉन्ग साइड पर उतार कर नेशनल हाईवे 44 को पार करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जहां हाईवे पार कर रहे मासूम को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 8 वर्षीय मासूम स्कूल से लौटकर अपने घर जा रहा था, तभी स्कूल वाहन संचालक ने नेशनल हाईवे 44 पर रॉन्ग साइड उसे अकेले सड़क पार करने के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान मासूम ट्रक की चपेट में आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिजनों ने देवरी बाईपास पर मासूम का शव रखकर जमकर हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाते हुए स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की। हंगामा बढ़ता देख मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अमला पहुंचा, जहां समझाइश के बाद परिजनों का हंगामा शांत कराया गया। बाईपास के बाद 8 साल का बच्चा स्कूल से अपने घर आया, से निकल के बच्चा रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में बीच रोड पे आकर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई। परिजन बच्चे की डेड बॉडी को लेके अभी बैठ गए थे धरने पे, क्या मांग थी इनकी? इनकी मांग कार्रवाई को लेकर थी, तो जो विधिवत विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा चुकी है और काम कर लिया गया और ट्रक वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, इसका मामला पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद जो है परिजन द्वारा सभी स्कूलों के संचालक और स्कूल संचालक मीटिंग लेकर हमला कार्रवाई को लेकर कल बोल रहा है, कल मीटिंग रखेंगे पूरे स्कूल वालों। अच्छा, सभी लोगों को बुलाया जाए। आप लोग आज यहाँ पर अपने बच्चे की डेड बॉडी लेके बैठे, क्या मांग की आप? स्कूल प्रशासन स्कूल कार्रवाई करवा रहे हैं, लापरवाही की गई है, ठीक की जाए। तो क्या क्या आश्वासन मिला इनकी ओर से, पुलिस की ओर से? ये जो बोल रहे हैं तो कार्रवाई की जाती है, वो पूरा करेंगे जो होती है। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। देवरी से अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज।